साथियों नमस्कार। साथियों, प्रमोशंस का क्रेडिट लेने वाले और रेगुलराइज के सपने दिखाने वाले तथा कथित बड़े नेताओं से सावधान रहने की जरूरत है। मैं सबसे पहले उन सभी नेताओं को, उन सभी शिक्षकों को धन्यवाद देता हूं जो 2019 के संघर्ष में साथ है और जिनकी वजह से प्रमोशन संभव हो पाए। अगर वो नहीं होते तो प्रमोशन संभव नहीं हो पाता। खैर, एनईपी आ चुका है और एनईपी का स्वागत सत्ताधारी वर्ग बढ़ चढ़ के कर चुका है और इसके अलावा एनईपी में जो चीजें हैं उसको कोई नहीं बता रहा है। एनईपी में जिस तरह से 23rd और 24th क्लॉज में 40% वर्कलोड जो है सीधे सीधे ऑनलाइन जाता हुआ दिखाई दे रहा है, इससे 10 में 4 शिक्षक बाहर हो जाएंगे। और जिस तरह से क्रेडिट सिस्टम आ रहा है, उस क्रेडिट सिस्टम की वजह से वर्कलोड भविष्य में कभी स्टेबल होता हुआ नहीं दिख रहा है। पूरे हायर एजुकेशन में जिस तरह का सिचुएशन बन रहा है, उस सिचुएशन में ये समझने वाली बात है कि जिस तरह से ONGC, इंडियन रेलवेज और बाकी चीजों में पब्लिक इंटरेस्ट के नाम पे VRS दिया गया, वैसे ही हायर एजुकेशन में भी पब्लिक इंटरेस्ट में VRS दिया जाएगा। ऐसे एजुकेशन पॉलिसी के बीच मेरे समझ से परे है कि कैसे इन शिक्षक नेताओं को और शिक्षक हितैषियों को इस तरह के खतरे दिखाई नहीं देते। साथियों, ये एनईपी कुछ वैसा ही है जैसे 2003 में NPS आया था। एक ने हमारे फाइनेंशियल सिक्योरिटी को खत्म कर दी थी और दूसरा पूरे के पूरे हायर एजुकेशन को ही खत्म कर रहा है, खास तौर से टीचर्स को, गरीब तबके के बच्चों से शिक्षा को खत्म करने का काम करेगा। साथियों, सावधान रहने की जरूरत है, खुद को बचाए रखने की जरूरत है, सतर्क रहें।